ना, हमारे पापा ने हमें पैसे दिए जाके चौमेल लेके आने के लिए। ओके सो हम फिर से समय चला आए हैं। ओके सो हमारी मम्मी निकालने जा रही है चौमेल। ये देखो भाई, एक प्लेट में कितना सारा है, इतना तो अकेले तुम ही खा लोगी। मम्मी को कैमरे से कोई भी मतलब नहीं है, मम्मी कह रही ठीक है। अगर तुम लोगों को मुझे नहीं पहचान पा रहे होगे तो यस, मैंने जो है वो अपनी दाढ़ी और मूछ जो है वो काट ली है। मतलब ऐसे मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने काट ली, ज़्यादा बड़ी हो गई थी ना। क्योंकि इस समय सवेरे के 8 बज रहे हैं, मेरा प्लान था सवेरे 6 बजे उठने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मैं कल रात में बहुत ही ज़्यादा लेट सोया। और मेरे सामने एक लैब्राडोर एक जा रहा है, देखो। अभी तुम लोग अभी मानोगे नहीं कि अभी क्या हुआ। मैंने अपने ये वाले उंगली लेके अपने इस वाले आंख में, मतलब मुंह धोते धोते ऐसे करके चली गई है ना। तो मेरी ये वाली आंख जो है वो पूरी इस समय लाल इस समय पड़ गई है। इधर वाली नॉर्मल है, लेकिन ये वाली इस साइड में, मतलब हमने आज सवेरे सवेरे अपने दिन की जो शुरुआत की है इतने खूबसूरत तरीके से की है, खुद की आँख फोड़ के बेसिकली। अरे सर, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं ऐसी दिन भर क्यों नहीं चलती हो भाई? बहुत ठंडी ठंडी समय हवा लग रही है यार, मुझे ठंडक के मुझे दिन याद आ गए भाई साहब। सवेरे सवेरे यार लोग कितना तेज, कितने जल्दी में होते हैं, नहीं है ना? ऑफिस ऑफिस नहीं जाना होता, बस खाली रोड है तो भगाओ। ये देखो एक परम पूज्य आदमी तो बाहर सामने से आ रहे हैं, पता नहीं क्या इन लोगों में कुछ होता थोड़ी नहीं, ये लोग भाई कैसे भी गाड़ी चलाते हैं। अरे भाई साहब, इतना एकदम चिकना एकदम कर दिया गया है भैया इसको तो। क्योंकि आज जो है, आज अगला दिन है, कल क्या है ना, कल मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का, तो कल का दिन जो है वो हमने स्किप कर दिया है। और मैं तुम लोग कसम से बता रहा हूँ भाई, आज मेरा इतने दिनों बाद यहाँ पर आने का प्लान था। ये जो देख रहे हो ना ये पार्क, ये रिवर फ्रंट है। मेरा भाई बहुत तेज आज मन था कि आज मैं यहाँ पर सवेरे सवेरे आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना बेसिकली मैं इस समय मैं घूमती नगर के मैं पुल पे खड़ा हूँ। पुल के स्टार्टिंग से इतनी गंदी बदबू आने लगी ना, और बदबू है किस चीज की दिखाता हूँ तुम लोगों को, पता नहीं क्या क्या भाई सब पड़ा हुआ है यहाँ पर। इतनी भयंकर इतनी गंदी बदबू आ रही है, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता यार। मतलब यहाँ पर ना लिटरली ऐसे करके चलना पड़ेगा। ब्लॉगिंग लखनऊ के, लखनऊ के, हाँ मैं लखनऊ। और कहीं के? और कहीं के अभी तो नहीं। हम यहाँ पर हम ब्लॉग कर रहे थे और यहाँ पर एक पुलिस वाले भैया एक आ गए थे, मतलब भाई पूछताछ तो नहीं, वो पूछ रहे थे कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है वहाँ से सब कुछ उठा के कूड़ा ला के यहाँ पर ला के रख दिया। मतलब हमारे यहाँ तो सरकारी काम होता है ना यहाँ पर, और तुम लोगों को पता ही सरकारी काम कैसे होता है। आई लव लखनऊ वाला जो बोर्ड है ना वहाँ, वो पता नहीं भाई कौन लोग बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे करके इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे तरफ करके। भाई तुम इशारा क्या कर रहे हो, अगर इतनी अगर आग लगी आगे बात कर लो यार। लगभग इस समय अभी 8 अभी बजने वाला है ना, लेकिन अभी भी वहाँ का अभी भी ट्रैफिक खोला नहीं है, मतलब ट्रैफिक बोले तो वो सिग्नल जो है वो चल नहीं रहा है। चलो सर लेट्स गो, गाड़ी तो स्टार्ट किए नहीं, लेट्स गो। ये आई एम फ्री। चलो अभी कहाँ उल्टा जा रहा है यार। अरे अरे सिग्नल, अरे भाई साहब ये तो इसकी बाइक देखो यार, इतने धुआंधार है। अबे कितना धुआं कर रही थी उसकी बाइक। हाँ नंगे होके आ जाओ गाड़ी के सामने। क्या सिग्नल तोड़ेगी क्या स्विफ्ट आज? ये लग तो रहा है सिग्नल तोड़ने के मूड में भाई। जाओ सर चढ़ा दो, पैर पे गाड़ी चढ़ा दो हमारे। ये देखो चूती आदमी साला बस के सामने आया, और बस अगर घुसेड़ देती ना भाई मजा आ जाता एकदम। ओके सो आई एम सॉरी, मेरे बाल जो है वो थोड़े से खराब है इस समय, क्योंकि मैं जस्ट अभी भी मैं सो के उठा हूँ, और मैं अभी सो के उठ के मैं इस वाली वीडियो की मैं एडिटिंग अभी कर रहा था है ना। हमारे पापा ने हमें पैसे दिए जाके चौमिन लेके आने के लिए, मतलब बहुत दिन हो गए थे चौमिन खाए हुए। मेरा कितना दिन हो गया था खाए हुए? दो तीन दिन हमें हो गए थे भाई खाए हुए चौमिन। तो हम अभी जा रहे हैं अभी चौमिन लेने। मेरा तुम तो खाओगे नहीं चौमिन? खाओगे या नहीं खाओगे बताओ? ओके सो हम जा रहे हैं अभी चौमिन लेने, तो अभी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ओके सो हम फिर से समय चला आए हैं यहाँ पर दाना पानी हब, और पैक कराने हैं ये चौमिन, वेज चौमिन। मतलब पिछली बार यहाँ से पैक करा के लेके गए थे, यहाँ की चौमिन अच्छी थी। यहाँ पर बैठ के मैं नहीं खा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली पैक करा रहा हूँ सबके लिए। बहन वहन भी खाएगी, मम्मी भी खाएगी। तो वेलकम टू आवर फूड ब्लॉग। यहाँ पर काफी कुछ है खाने वाने के लिए ना, चाप वाप सब मिलता है, यह खाना भी है यार। अरे कढ़ाई पनीर भी है। ओके सो गाइस हमें मिल गया है हमारा सामान,
अब हम यहाँ से निकलते हैं। इसको मैं अपने इस पे टांग ले रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बाइक में कोई भी रखने की जगह नहीं है, तो हमें इसी में हमें टांग के घूमना पड़ता है। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं घर पे। ओके, सो आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं मोटर व्लॉग तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखा जरूर सकता हूँ अपने फोन से। देखो ये हमारा सामान है, और मतलब मैं ऑब्वियसली मैं हेलमेट नहीं लेके आया हूँ। चलो भाई बंद करता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो हमारी मम्मी निकालने जानी है चौमिन। ये देखो भाई एक प्लेट में कितना सारा है, मतलब कितना सारा तो नहीं है, इतना तो अकेले तुम ही खा लोगी। मैं जी मछाला तो चौमिन तो खा नहीं पाओगी। कैसे कैसे खाओगी? सारी दुनिया जो है वो चौमिन प्लेट में खाती है, लेकिन हम जो है चौमिन को थाली में खाते हैं बेसिकली। ये देखो भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खिचड़ी विचड़ी खा रहे हैं कुछ। थोड़ा सा तीखा है ना, मतलब नॉर्मल तौर पे तीखा है, और लेकिन मेरे में चिली सॉस एक्स्ट्रा पड़ गई तो थोड़ा सा और तीखा हो गया। मेधा तुम्हें कैसा लग रहा है? तीखा है, मैंने और चिली सॉस डाला। वाह, मेधा को भी तीखा लग रहा है, लेकिन मेधा ने और ज्यादा चिली सॉस डाल दिया है, मतलब और तीखा खाने के लिए। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मम्मी कह रही ठीक है। मम्मी को कैमरे से कोई भी मतलब नहीं है, मम्मी कह रही ठीक है। चलो तो ठीक ही होगा। हम अभी क्या करते हैं, हम अभी अपने चाउमीन को खत्म करते हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं पर ही अभी समाप्त करते हैं। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाला ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। चलो हम अपना खाते हैं चाउमीन, इस समय इंजॉय करते हैं बेसिकली चाउमीन।